Good morning students, I am Dr. Suman, welcome you all at my YouTube channel Vidul IAS Academy, Shamli, Uttar Pradesh. बच्चों आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टॉपिक फेनेटिक्स का. ये फेनेटिक्स का जो टॉपिक है वो यूपी टेट, कोई भी टेट है, जैसे यूपी टेट नज़दीक है इसीलिए हम इसका डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी टेट का एग्ज़ाम है, KVS का है, जहाँ से लैंग्वेज से रिलेटेड, जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जहाँ जहाँ आती है उससे रिलेटेड कि ये टॉपिक आ सकता है. क्लियर बच्चे? कि फेनेटिक्स, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है कि फेनेटिक्स है क्या. फेनेटिक्स एक साइंस है जो कि स्पीच साउंड और ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड है. अब स्पीच साउंड होती क्या है बच्चे? जो आप बोलते हैं ना, कि जो भी वर्ड आपने बोला है, कोई भी सेंटेंस बोला, जो आपने जो साउंड, हम लेटर्स की बात नहीं कर रहे, साउंड्स जो आपने निकाला, अ ब ट क, ये सब के सब लेटर्स नहीं हैं, ये साउंड है. क्लियर? जब हम बोलते हैं, क्लियर, तो उनकी ये स्टडी है, उनकी ये साइंस है, ये फेनेटिक्स है. ये क्वेश्चन आ सकता है कि फेनेटिक्स क्या है, कि आप स्पीच साउंड और ट्रांसक्रिप्शन को ध्यान रखेंगे कि जो स्टडी है किसकी, स्पीच साउंड्स की और आपकी ट्रांसक्रिप्शन की. क्लियर? और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ पर जैसे लिख रखा है कि अल्फ़ाबेट, फिर लेटर्स, फिर आपका साउंड्स, कि अल्फ़ाबेट क्या होता है. जब अल्फ़ाबेट का जिक्र आता है ना तो बच्चा कहता है कि मैडम 26 होता है. नहीं बच्चे, अल्फ़ाबेट कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो, कोई भी वर्ल्ड में कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो, हर एक लैंग्वेज का एक ही अल्फ़ाबेट होता है. जैसे इंग्लिश का ए टू जेड का जो पैकेट है वो होता है अल्फ़ाबेट, कलेक्शन है ए टू जेड की. हिंदी में है, जैसे हिंदी में अ टू ज्ञ की जो कलेक्शन है वो होती है हिंदी वर्णमाला, ऐसी होती है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो एक ही होता है. फिर बच्चे अब बात करें लेटर्स की, जो आप 26 बोलते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, वो लेटर्स होते हैं. अलग अलग जब उनका आप डिस्कस करेंगे कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, तो वो लेटर्स होते हैं. लेटर्स हर एक लैंग्वेज में अलग अलग हो सकते हैं लेकिन अल्फ़ाबेट एक ही होता है. क्लियर? कि वो आपके 26 होते हैं, जिसमें से आपके जो वाउल होते हैं बच्चे वो 5 होते हैं, और लेटर्स, लेटर्स तो 26 हैं ही, वाउल कितने होते हैं, 5 होते हैं, और कंसोनेंट कितने होते हैं, 21 होते हैं. अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो 26, एंड हाउ मैनी वाउल्स, तो वाउल पूछेंगे तो बच्चे 5 हैं, कंसोनेंट्स पूछेंगे तो 21 है. सिर्फ वाउल और कंसोनेंट की बात कर रही हूँ. अब नेक्स्ट जो है आपका स्पीच साउंड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके 5 से 6 नंबर तक के क्वेश्चन आ सकते हैं. स्पीच साउंड जो हम बोलते हैं, देखिए आप बोलते हैं ए ई आई ओ यू, कि ये, कि हमने कहा इनको ये वाउल है. क्लियर? बिल्कुल ये वाउल है, लेकिन बच्चे इनसे जो साउंड निकलती है ना वो टोटल होती है कितनी, वो 20 होती है. कि देखो लेटर तो कितने हो गए, ये 5, 1, 2, 3, 4, 5, यानी वाउल कितने हो गए, 5 वाउल. क्लियर? लेकिन इनसे जो साउंड निकली जब आप वर्ड यूज करते हैं ऑनर, क्लियर, जब आप वर्ड यूज करते हैं यूनिवर्सिटी, क्लियर, देखो यहां भी ओ, यहां भी ओ और यू, यहां पर यू की साउंड नहीं आ रही, यहां पर है तो यूनिवर्सिटी लेकिन यहां पर किसकी साउंड आ रही है, यू की, यहां पर साउंड यू है, साउंड इसका मतलब यह है, लेकिन यहां पर अगर वाउल की बात करें, वाउल लेटर की, कि वाउल लेटर की बात करें तो वाउल लेटर तो यू हो गया, लेकिन बच्चे साउंड के अकॉर्डिंग आप यहां पर क्या लगाते हैं, अ यूनिवर्सिटी, जो ए एन धा का जो टॉपिक आर्टिकल जो आप करते हैं, जहां ए और एन लगाना होता है वो साउंड के जरिए तो लगाते हैं, ना कि इन लेटर्स के जरिए. तो ये है आपकी स्पीच साउंड, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे कि जो हम बोलते हैं वो होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना होता है, लेटर्स के अकॉर्डिंग नहीं, उसके साउंड के अकॉर्डिंग हमें ए और एन लगाना होता है, उनको ट्रांसक्राइब करना होता है. क्लियर बच्चे? जो टॉपिक है हमारा स्पीच साउंड, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि स्पीच साउंड होती क्या है. ये ध्यान रखना कि लेटर से अलग होती है, कि इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल जो स्पीच साउंड होती है वो होती है आपकी 40.
कितनी होती है बच्चे? 40, जिनमें से 20 होते हैं आपके वाउल साउंड्स। कितनी होती है ये 20 होती है, और जिनमें से कंसोनेंट साउंड होती हैं। साउंड की बात हो रही है बच्चे, ये बहुत ही आप स्पीकिंग करते हैं, बोलते हैं, उसमें बहुत काम आती है कि वाउल साउंड, वाउल लेटर नहीं, ये ध्यान रखना। अगर सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मैनी वाउल्स, सिर्फ वाउल्स पूछा जाए तो होंगे 5, क्लियर, लेकिन वाउल साउंड्स पूछे जाएं तो होंगे 20। ऐसे ही कॉन्सोनेंट्स पूछे जाएं तो 21 होते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड पूछे जाएं तो 24 होते हैं, ये भी अलग अलग। अब जो वाउल साउंड होती हैं वो आगे भी, जैसे वाउल साउंड, इनमें भी दो कैटेगरी आती हैं, मोनोफ्थोंग्स, जिनको हम प्योर वाउल भी बोल देते हैं, प्योर वाउल साउंड, क्लियर। और सेकंड है आपका डिप्थोंग्स, डिप्थोंग्स, इनको हम ग्लाइड्स भी बोल देते हैं, क्लियर। ये होते हैं 8 और ये होते हैं टोटल आपके 12। ये क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चे, ये ध्यान रखना कि कितने मोनोफ्थोंग्स हैं या प्योर वाउल हैं। एक ही क्वेश्चन है, मोनोफ्थोंग्स बोलें तब भी आपके 12 हैं, प्योर वाउल्स हैं तब भी आपके 12 हैं, क्लियर। कि प्योर क्यों बोला गया, क्योंकि इनमें किसी का मिक्सअप नहीं है। मैं बताती हूँ कि पतंजलि है कि इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये बिल्कुल प्योर है। डिप्थोंग्स में कि डिप कर दिया, उसमें कुछ डाल दिया गया, क्लियर। कि ग्लाइड्स कि एक वाउल दूसरे वाउल की तरफ जा रहा है, तो ये इनको डिप्थोंग करके क्वेश्चन आ सकता है तो 8 होते हैं, ग्लाइड्स करके क्वेश्चन आ सकता है तब भी आपके 8 होते हैं। अब इनका 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे, पहले बात करेंगे वाउल साउंड की, उसके बाद फिर कॉन्सोनेंट साउंड की, कि कैसे आप इनको वर्ड्स में पहचान सकते हैं। और मुझे ये पता है कि आज तक ऐसे नहीं करवाया होगा, कि आज तक आपने ऐसे सीखा ही नहीं होगा जैसे कि आज आप सीखेंगे। चलते हैं, बात करते हैं अब पहले वाउल साउंड की। चलिए इनको साथ के साथ नोट करते जाइएगा, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनता है बच्चे, कि यहाँ से वर्ड्स दे दिए जाते हैं और इनमें से आइडेंटिफाई करने के लिए कि साउंड यहाँ पर कौन सी है, तो देखिएगा। पहले बात करते हैं आप प्योर वाउल्स की, जो कि आपके 12 होते हैं, सॉरी, जो कि आपके 12 होते हैं। इनको कैसे याद करेंगे, देखो जैसे हिंदी वर्णमाला में आप ए आ ई ऊ ऐसे याद करते हैं, बिल्कुल यहाँ पर ऐसे ही याद रखना है, बिल्कुल ऐसे ही याद करना है। देखिए देखिए, हिंदी वर्णमाला में पहले, सबसे पहले कौन सा वर्ण आता है, ए आता है कि नहीं आता? हिंदी में हमारे पास सिर्फ केवल एक आ है, लेकिन इंग्लिश में हमारे पास 5 आ हैं जिनके साउंड अलग अलग आती है। देखिए कैसे, देखिए ऐसे कि आपको ये एक्स जैसा लगेगा और नीचे भी राउंड किया हुआ और ऊपर भी, कि ये होता है अ, कि जैसे लंबा ले जाते हैं, जैसे कि साउंड में आता है मैट, शैट, क्लियर बच्चे। कि ये साउंड ध्यान रखना कि बैट, फर्क देखना बहुत। उसके बाद है फिर ये, जैसे आप स्मॉल ई लिखते हैं बिल्कुल ऐसे, ये भी बच्चे अ ही होता है। ये कैसे, देखिए बोल के देखिएगा, बिल्कुल डिफरेंस फील होगा। आपने बोला बैट और एक बोला बैट, बैट बैट, फर्क है कि नहीं है? बिल्कुल बहुत फर्क है। लिखने में भी ऐसे कैसे आएंगे कि ऐसे ही आपके एग्जाम में मान लो ये वर्ड आ गया, क्लियर, और यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ आ गया, कि ये बताए कि इसमें साउंड कौन सी है, नीचे ऑप्शन दे देंगे जिनमें से एक जो रियल साउंड होगी वो होगी, क्लियर, और बाद में बाकी जो 3 ऑप्शन होंगी वो गलत होंगी। तो अगर आपको इन साउंड का पता है, कि इनको याद करने का तरीका पता है, तो बिल्कुल आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ए बैट, कि ये अ जो है ये वाली साउंड है, क्लियर। वहाँ लिखा हुआ आएगा, आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ पहचान करनी है कि ये वाली साउंड यहाँ पर आती है, क्लियर। इस तरह से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे।
क्लियर बच्चे? तो देखिए नेक्स्ट आपका पहले ए अ, फिर ये आपका बिल्कुल, इसको वेरी वीक साउंड है ये, इसको अ अ ऐसे, फादर मदर अबाउट अबाउट अ, बिल्कुल वेरी वीक फॉर्म ऑफ अ है, वीक साउंड ऑफ अ, क्लियर? जैसे कि आपने अबाउट अबाउट अ अबाउट अबाउट, क्लियर बच्चे? तो यहां पर कि ये साउंड कौन सी है, तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, ये वाली साउंड यहां पर है, क्लियर? तो ये इस तरह से आपने याद रखना है, क्लियर, कि अबाउट वीक साउंड ऑफ अ, उसके बाद फिर आप लिखेंगे थ्री लगा के, उसके बाद दो बिंदी लगा देंगे, जैसे हिंदी में विसर्ग लगाते हैं, क्लियर? कि ऐसे ये होता है, ये भी अ, कौन से वाला, जैसे आप बोलते गर्ल, देखो अ आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया, गर्ल, ये भी अ, अर, जैसे कि वोमिट आने वाला है, जैसे वोमिट करते हैं अर, ऐसे अर, क्लियर? गर्ल, अब हार्ट, क्लियर? और कई बच्चे तो क्या करते हैं इसी को, ये एच ई आर टी जो सबके पास है, क्लियर, एच ई ए आर टी, इसको हर्ट बोल देते हैं, ये हर्ट नहीं होता, अगर आपने हर्ट बोला तो ये बोला, ये हार्ट आ की साउंड आती है, क्लियर? इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि आप तक ये आवाज पहुंचे, आप इन सब चीजों को पहचान सके, इन साउंड्स को पहचान सके, क्लियर बच्चे? तो ये हर्ट नहीं, वो हार्ट होता है, वहां पर आ की साउंड आती है, जैसे आप कहते हैं स्कर्ट स्कर्ट, क्लियर, डर्ट, तो यहां पर अर, तो सारे के सारे अ, कहीं पर आ की साउंड नहीं आ रही, क्लियर? उसके बाद लास्ट है आपका उल्टी वी, जंपी, इसको बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, जंपी, ये भी अ की ही, जैसे रामदेव कपाल भाती कराते हैं, हट, पेट अंदर की तरफ जाता है, हवा बाहर आती है, तो उसी में ये साउंड आती है, हट, बट, कट, शट, क्लियर? तो ये हमारे देखो सारे कितने भी हैं, पांच हैं, चाहे वो वीक है चाहे स्ट्रोंग है, आ की साउंड इन सभी में आती है, क्लियर? तो इनको आपको आइडेंटिफाई करना है, बार बार इनको पढ़ना है, कि इनको बोल के देखना कि ऐसी साउंड आती कहाँ है। उसके बाद बेटे हिंदी में आ के बाद आता है फिर आपका आ, कि आप ए बनाएंगे, उसके बाद फिर विसर्ग बनाएंगे, ये होती है आपकी साउंड आ, आ, जैसे आ से आम आप हिंदी में कहते हैं, आ, कार, कार। और वाउल साउंड की ये खासियत है, अगर इन वाउल साउंड के बाद आर आ जाता है, उसको ये बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, वो साउंड आती नहीं, कार कार, ऐसे बार स्टार, क्लियर बच्चे? तो यहाँ पर ये आ जो है, ये देखो यहाँ भी तो ए ही है, अगर आप कहेंगे तो ये तो ए वाउल है, लेकिन साउंड किसकी आई, आ की आई, क्लियर? इसीलिए वो पांच लेटर, वो पांच वाउल 20 वाउल साउंड बनाते हैं, क्लियर? आ के बाद हमारा कौन सा वर्ण आता है हिंदी में, ई आता है बच्चे, ई, छोटी ई आती है कि नहीं आती, स्मॉल ई हिंदी में कहते हैं, छोटी ई की मात्रा, क्लियर? ई, सिट, बिट, किट, हिट, काला हिट, डेंगू जैसे चल रहा है, यूज करते हैं सभी, हिट, क्लियर? हीट तो नहीं कहते ना, क्या होता है, हिट होता है, छोटी ई, क्लियर? छोटी की मात्रा जैसे हिंदी में होती है, बिल्कुल ऐसे ही आपकी ये साउंड छोटी ई, क्लियर? उसके बाद फिर आपकी ई, ई, क्लियर? यही सिट से बन गया सीट, बिट से बन गया बीट, देखो आ रहे कि नहीं, यहां ई और अ मिलकर क्या बना रहे हैं, ई, सीट, और इसे श साउंड निकालेंगे तो शीट, क्लियर बच्चे? तो ये आपका ई, उसके बाद आता है आपका उ, कौन से वाला, स्मॉल, छोटे वाला उ, जैसे कि आपका पुल, सॉरी पुल, पुश, क्लियर? पुल,
पुरुष देखो है तो उ, अब यहां देखेंगे लेटर नहीं देखने आपने, अब वहां पर वो अ की साउंड निकाल रहा था, यहां पर ये उ की साउंड निकाल रहा है, पुल पुश छोटा उ। उसके बाद आपका उ, उ जो उ से ऊन आप बोलते हैं, ऊन बोलते कि नहीं, क्लियर, वूल क्लियर, कूल वर्लपूल बोलते कि नहीं बोलते, वॉशिंग मशीन है वर्ल, देखो वर्लपूल क्लियर, ऐसे ही आपका वूल क्लियर, कूल स्कूल। तो इस तरह से कि आप इन लेटर के जरिए कि जो आपके हिंदी में जो वर्ण हैं उनके जरिए आप इनको समझ सकते हैं। देखेंगे उसके बाद क्या आता है। अब हिंदी में तो बच्चे आपके और कुछ वर्ड आता है, अब काउंट करें कितना हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रह गया कितना, ओ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वहाँ बच्चे कन्फ्यूजन होती है। देखिए उल्टी ए लिखेंगे कि इसके बिल्कुल अपोजिट, जैसे आप ऐसे लिखते हैं क्लियर, ये आपको इस तरह से जैसे ए फॉर एप्पल होता है ना स्मॉल लेटर में, ये उससे उलट मिलेगी। तो ये होता है आपका, ये ना ओ होता बच्चे ना ही आ होता, क्लियर। कैसे देखो आप इंग्लिश में लिखते हैं क्या बोलते हैं इसको, तो आप बोलते हैं टोम, अगर आपने टोम बोला ना तो वो ओ की साउंड हो गई और ये ओ की साउंड नहीं है, क्लियर। लेकिन जब आप इसको हिंदी में लिखते हैं ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते, क्लियर, तो ये क्या होता है, ये ना ओ होता ना ही ये ओ होता ना ही आ होता। जैसे कि बोल दिया जाता है कि कभी भी जो ओ लेटर है कभी भी अपनी साउंड लेकर नहीं आता, कि जॉब नहीं बोलते हम बोलते जा, क्लियर, होट नहीं बोलते बोलते हार्ट, बोलते कि नहीं बोलते हार्ट। कैसे देखिए, ये आपका कौन से वाला ओ होता है, ये ऐसे करके ये ऊपर आ, क्लियर, हार्ट काट, व्हाट अ शॉट, शॉट नहीं बोलते शॉट, क्लियर बच्चे। तो ये ना ओ होता ना ही आ होता, ये होता जहां भी ओ साउंड आएगी ना, जहां ओ लेटर मतलब आपको लगे कि ओ साउंड दे रहा वो ओ नहीं होता, वो क्या होता है आ होता है, ना ही आ ना ही ओ, आ हार्ट हार्ट क्लियर। उसके बाद है फिर आपका ये होता है बच्चे आपका ओ सी बना के, कौन से वाली, वो भी अपोजिट है उल्टी है, ये होती है आपकी ओ साउंड क्लियर। ये कौन से वाली, देखो जैसे आपने कहा हॉट और ये कहा कोट, काट कोट क्लियर, ऐसे ही आपका सी ओ ए टी, देखो फर्क कितना है, काट कोट क्लियर। तो चारपाई होती है उसको अगर आप कहेंगे कोट तो मम्मी ये ले आएगी, अगर उनको साउंड का पता है तो काट, ये हो गया आपका ब्रॉट क्लियर बच्चे। ये हैं आपके टोटल 12 मोनोफोंग प्योर वाउल, मोनोफोंग भी यही होते हैं और प्योर वाउल भी यही होते हैं। देखो पूरे 12 हैं कि नहीं, एक बार काउंट कर लें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्योर वाउल्स कितने होते हैं, 12 होते हैं, मोनोफोंग कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब बात करते हैं डिफथोंग्स की, क्लियर, कि हमारे पास डिफथोंग भी तो हैं, 8 होते हैं जो, चलिए डिस्कस करते हैं उनके बारे में। इनके बारे में अगर आपको ना समझ आए कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, बता देंगे कैसे याद करना, और बार बार वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा, डिफिकल्ट नहीं है, वेरी इजी है, क्लियर। चलते हैं अब डिफथोंग की ओर, जिनको हम ग्लाइडर्स ग्लाइड्स भी बोल देते हैं, ग्लाइडर्स भी बोल देते हैं, क्लियर, क्योंकि वो एक साउंड दूसरी साउंड की तरफ जाके दूसरी एक अलग साउंड बना देती है, जैसे हिंदी में आप संधि करते हैं बच्चे, क्लियर। देखेंगे अभी डिफथोंग्स आपके 8 होते हैं, डिफथोंग्स आपके 8 होते हैं, इनके 3 पेयर बनाएंगे हम, क्लियर। कैसे देखिए, फर्स्ट जो बनेगा आपका ग्लाइडिंग टू ई, ये छोटी ई, क्लियर, ग्लाइडिंग टू ई, ग्लाइडिंग टू, और यहीं से क्योंकि ग्लाइड करते हैं इसीलिए यहां से कहलाए बच्चे ये ग्लाइड्स, क्या कहलाए, ग्लाइड्स कहलाए।
क्लियर। देखेंगे कैसे कि फर्स्ट है आपका ये आ साउंड ग्लाइड भी बच्चे ई की तरफ। अगर आप हिंदी में संधि देखेंगे अ और ई मिलकर भी वही साउंड बनाती है जो कि यहां पर ये साउंड बनी हुई है। क्लियर, ये साउंड होती है आपकी ए। क्लियर, जैसे कि आपका गेट, चेन। क्लियर, प्लेट, कि ये ए साउंड, कि यही पूछ लिया गया कि यहां पर ये साउंड कौन सी है, तो वहां पर जो ये सिंबल मिलेगा ए और ई का तो वो होती है ए साउंड। क्लियर, उसके बाद बेटे ये आ है और उसके बाद चली गई ई, आई, आई। क्लियर, तो क्या बनेगा, बाइट, स्लाइट, काइट, कि ये साउंड हो गई आई, कि आई जहां पर आई साउंड आएगी, जैसे आई है आपकी आई, तो ये भी यही साउंड है, इसकी ट्रांसक्रिप्शन भी यही बनेगी आई। क्लियर, उसके बाद फिर उल्टी सी करके, जैसे ओ था वहां पर ओ और ई, ओय, 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 ओय। क्लियर, कि जैसे गाना गाते हैं ओए ओए दी कुड़ियां सहर दियां, बॉय, कॉय, टॉय। क्लियर, कि ओय साउंड, देखो ओ और वाई, ये नहीं कि रटना मत कि ओ और वाई मिलकर ये बनता है, नहीं, जहां पर भी ये साउंड होगी कि बॉय, कि आप जैसे बुक में देखते हैं, डिक्शनरी में देखते हैं, ट्रांसक्रिप्शन मिलती साथ में, कि जैसे बॉय है ये ट्रांसक्रिप्शन मिलेगी, कि वहां समझ नहीं आता, लेकिन जब आपको इन साउंड्स का नॉलेज हो जाएगा, बार बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, तो बिल्कुल आपको वो वर्ड आइडेंटिफाई करना आ जाएगा। क्लियर, ये बॉय। सेकेंड पेयर बनेगा बेटे आपका ग्लाइडिंग टू, ये वो पेयर था जो ई की तरफ, कि यहां पर देखो एक बार अ ई की तरफ गया, आपका आ ई की तरफ गया और आपका ओ ई की तरफ गया। क्लियर, अब यहां पर जो साउंड है वो है ग्लाइडिंग टू ऊ, कौन से वाला ऊ, स्मॉल वाला। क्लियर, देखते हैं आप पहली क्या बनेगी इसमें, ओ। देखो अगर मैं ये वर्ड लिख दूं यहां पर, कोई भी बच्चा इसको गो नहीं बोलता, बोलता गो, आई वॉन्ट टू गो, गो, गो अगर आपने बोला, इसका मतलब वो साउंड क्या हो गई, ओ की साउंड हो गई, वो ओ की साउंड हो गई, लेकिन ये ओ की साउंड नहीं, ये साउंड बच्चे अ और उ, अ, गो, अ। क्लियर, जब भी आप ब्रिटिश न्यूज सुनते हैं, इसीलिए समझ नहीं आती हमें, कि अगर आपको इनका नॉलेज है, इन साउंड्स का नॉलेज है, तो आप उनको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी लिपसिंग से समझ सकते हैं कि वह कौन सी साउंड बोल रहा है, गो, लो, स्लो, औ, कि आप बोलते हैं ना औ, हिंदी में बेटे ये लो, हिंदी में जो आप ये वर्ड बोलते हो औ। क्लियर, औ से औरत, देखो औ बोलते हैं को नहीं बोलते, तो ये वही है औ, गौ। क्लियर, गौ माता बोलते हैं, बिल्कुल वही साउंड है गौ। क्लियर, स्लो, उसके बाद बेटे आ गया ऊ की तरफ। क्लियर, हो गया क्या, आऊ, शक्ति कपूर वाला नहीं, कौन से वाला, माउस, हाउस। क्लियर, कि ये आपका आऊ, आऊ नहीं, देखो ये आ है और ये आ है, आऊ, आऊ, माउस, फर्क बहुत है, माउस, गो, माउस, गो, स्लो, हाउस। क्लियर, ये वो लेटर्स थे, ये वो साउंड थी जो एक साउंड दूसरे साउंड की तरफ ग्लाइड हो रही है, मूव हो रही है। क्लियर, थर्ड पेयर है बेटे आपका ग्लाइडिंग टू अ, ये वीक फॉर्म, जो वेरी वीक फॉर्म, वेरी वीक साउंड ऑफ अ। क्लियर, इसको स्वा बोल देते हैं, स्वा। क्लियर, वेरी वीक फॉर्म है, तो इसमें क्या करेंगे देखेंगे, पहले पहले गया अ, अ की तरफ,
अ हम बोलते रहते एयर एयर एयर, एयर बोलते कि नहीं बोलते? बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन अगर कोई अंग्रेज बोलेगा बोलेगा एयर, बोलेगा कि नहीं एयर? हम बोलते हैं हेयर, नहीं बेटे हेयर नहीं हेयर, क्लियर? अगर आपने हेयर बोला तो ये वाला बनता है, लेकिन जब आप बात करते हैं ये वाले हेयर की, ये हेयर होता है, हेयर नॉट हेयर, क्लियर? तो इसको आप लिखेंगे ए ए, क्लियर? प्रैक्टिस करेंगे, बार बार बोलते रहेंगे, बिल्कुल आएंगे, क्लियर? उसके बाद सेकंड है बेटे आपका उ, ग्लाइड टू अ, उ अ, उ अ, उ और अ, पुअर। देखो जब हम कहीं टूर पर जाते हैं, टूर पर गए, टूर टूर टूर, ऊ की साउंड देते हैं, लेकिन नहीं, होता क्या है टू, और जहां भी वाउल साउंड आती है और उसके बाद अगर र आ गया, र साउंड आ गई, वो अपने आप ही खत्म हो जाता है, साइलेंट हो जाता है टूअर, क्लियर? उसके बाद है बेटे आपका लास्ट एंड फाइनल डिफ्थोंग ई, ग्लाइडिंग टू अ, ये कोई गलत नहीं बोलता, चीयर ई अ, ई अ, चीयर बियर, जब सिलेबस याद नहीं होता तो हमारे बहते हैं टीयर, क्लियर बच्चे? तो ये थे आपके डिफ्थोंग्स, क्वेश्चन पूछे जाए कि हाउ मेनी डिफ्थोंग्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो देर आर 8 डिफ्थोंग्स, ग्लाइड्स भी इनको बोल देते हैं, ग्लाइड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक साउंड दूसरी साउंड की तरफ ग्लाइड करती है, क्लियर? तो ये थे आपके वाउल साउंड, नेक्स्ट वीडियो में कॉन्सोनेंट साउंड लेकर आएंगे, आज के लिए इतना ही, इनको याद करें, समझें, बोलकर देखें, बिल्कुल समझ आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है, इसको लाइक करें, शेयर करें, और शेयर बहुत ज़्यादा करना है ताकि सब तक ये वीडियो पहुँच सके, क्योंकि बेटा इस पे हिंदी मीडियम में कोई भी वीडियो नहीं है, तो ये यूपी टेट के जो बच्चे हैं उनके काम आएगी, आगे एच टेट आने वाला है, कोई भी टेट आए वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू, हैव अ गुड डे।